हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ झारखंड ज्योग्राफी पार्ट थर्ड। दोस्तों, पार्ट वन और पार्ट टू जो है पहले ही अपलोड हो चुका है, उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपका झारखंड छोटा नागपुर के पठार के रूप में विख्यात रहा है। ठीक है, ये झारखंड क्षेत्र का प्रमुख प्राकृतिक भाग छोटा नागपुर का पठार है। तो चलिए जानते हैं कि ये किसका भाग है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए है आपका प्रायद्वीप पठार, बी है गंगा का मैदान, सी है हिमालय की तराई एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ए, प्रायद्वीप पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है वो प्रायद्वीप पठार का भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर टू। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका नंबर टू, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप पठार के किस भाग में स्थित है? जैसा कि दोस्तों, इसका पहला वाला जो क्वेश्चन था कि छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है, तो छोटा नागपुर पठार जो है वो प्रायद्वीप पठार के भाग है। तो प्रायद्वीप पठार में जो है किस भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये उत्तर पूर्व भाग में जो है छोटा नागपुर का पठार स्थित है, प्रायद्वीप पठार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका नंबर थ्री, छोटा नागपुर का पठार की चट्टाने कैसी है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है, परतदार, बेसाल्ट, क्रिस्टलीय एवं कायांत्रित और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका सी, क्रिस्टलीय एवं कायांत्रित। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार की जो चट्टाने है वो क्रिस्टलीय एवं कायांत्रित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका नंबर फोर, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? ठीक है, तो झारखंड जो है वो उसका पूरा राज्य का कितना भूभाग जो है छोटा नागपुर का पठार घेरा हुआ है? तो चलिए जानते हैं, ए आपका 50%, बी है 48.2%, सी है 47.8% एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका सी, 47.8%। ठीक है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल का 47.8% जो है छोटा नागपुर का पठार से बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ है? ठीक है, जो वर्तमान धरातल है वो किस चट्टान से निर्माण हुआ है छोटा नागपुर पठार का? तो ए है आपका बेसाल्ट, बी है क्वार्टज, सी है सिस्ट एंड डी है ग्रेनाइट एवं नीस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ग्रेनाइट एवं नीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर सिक्स। नंबर सिक्स है, छोटा नागपुर पठार है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो किस प्रकार का पठार है? ए दिया गया है एक अग्रहारी पठार, बी है एक गर्त पठार, सी है एक पदस्थली पठार एंड डी है एक संप्राय भूमि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, एक संप्राय भूमि। ठीक है, एक संप्राय भूमि इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर सेवन। नंबर सेवन है, खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, खनिजों का गोदाम घर से कौन जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया, चल देखते हैं। ए है आपका मालवा का पठार, बी है छोटा नागपुर का पठार, सी है विंध्य का पठार एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है, ये प्रख्यात है। ठीक है, खनिजों का गोदाम घर छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर एट। नंबर एट है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। तो चलिए जानते हैं। ए है आपका पाट क्षेत्र, बी है मध्यवर्ती की पहाड़ियां, सी है बाह्य पठार एंड डी है राजमहल की पहाड़ी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ए, पाट क्षेत्र। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और ऊंचा भूभाग है और उसके बाद जो है वो पाट क्षेत्र आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, पाट क्षेत्र। तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर नाइन। नंबर नाइन है, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो चलिए जानते हैं। ए है आपका 700 से 900 मीटर, बी है 900 से 1100 मीटर, सी है 1100 से 1300 मीटर एंड डी है 1300 से 1500 मीटर।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, 900 से 1100 मीटर। ठीक है, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 10, निम्न में से किसकी तुलना, दोस्तों यहाँ पे किसकी होगा कितनी हो गया है, ठीक है किसकी होगा, तो निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए है आपका पाट क्षेत्र, बी है हजारीबाग का पठार, सी है कोडरमा का पठार और डी है ग्रीडी का पठार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए, पाट क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र की तुलना जो है दक्षिणी पठार की मेसा आकृति से की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 11। दोस्तों सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको कर लेना है। पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है, दोस्तों पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए है लातेहार, बी है लोहारदगा, सी है गुमला एंड डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, और दोस्तों नेतरहाट में सबसे जो है ऊंचा क्षेत्र है, नेतरहाट जो है इस पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा जगह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 12। नंबर 12 है रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे दिया है, ए है 750 मीटर, बी है 700 मीटर, सी है 600 मीटर, डी है 550 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 600 मीटर। रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दोस्तों नेक्स्ट आपका नंबर 13, रांची पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो ऑप्शन दिया है, ए है बेसाल्ट, बी है नीस एवं ग्रेनाइट, सी है सिस्ट एंड डी है क्वार्टर्स। तो फ्रेंड्स इसका भी निर्माण नीस एवं ग्रेनाइट से हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 14। नंबर 14 है रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग कौन करती है, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है। ए है आपका दामोदर नदी, बी है शंख नदी, सी है सुवर्णरेखा नदी एंड डी है अजय नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 15। नंबर 15 है रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। रांची एवं हजारीबाग की जो पठार है उसके किनारे जो अवस्थित और भी जो है बाह्य पठार और निम्न पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ए है आपका 500 से 600 मीटर, बी है 450 से 500 मीटर, सी है 300 से 450 मीटर एंड डी है 150 से 300 मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, 300 से 450 मीटर की औसत ऊंचाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका नंबर 16। नंबर 16 है चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, चाईबासा की मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ ए है 300 मीटर, बी है 250 मीटर, सी है 200 मीटर एंड डी है 150 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 150 मीटर। ठीक है, चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 17। नंबर 17 है झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सा है, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे भौतिक संरचना से है। ठीक है, तो झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सा है। तो ए है आपका राजमहल ट्रेप, बी है पाट क्षेत्र, सी है दामोदर घाटी एंड डी है सोन घाटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ए, राजमहल ट्रेप। ठीक है, राजमहल ट्रेप जो है वो झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है। नेक्स्ट है आपका नंबर 18। नंबर 18 है राजमहल ट्रेप झारखंड की किस भाग में स्थित है, राजमहल ट्रेप जो है वो झारखंड के किस भाग में स्थित है। ए है उत्तर पश्चिमी भाग में, बी है उत्तर भाग में, सी है दक्षिणी पूर्वी भाग में एंड डी है उत्तर पूर्वी भाग में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका डी, उत्तर पूर्वी भाग में जो है राजमहल ट्रेप स्थित है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 19। राजमहल ट्रेप का सृजन कब हुआ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ए है आपका जुरासिक काल में, बी है मध्य युग में, सी है प्लियोसिन युग में, डी है इओसिन युग में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ए, जुरासिक काल में जो है राजमहल ट्रेप का सृजन हुआ, जुरासिक काल में। ओके, जुरासिक काल में लावा प्रवाह से जो है राजमहल ट्रेप का सृजन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 20। नंबर 20 है राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई कितनी है, राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई कितनी है। ए दिया गया है 300 से 400 मीटर, बी है 200 से 300 मीटर, सी है 150 से 300 मीटर, डी है 100 से 200 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, 150 से 300 मीटर की औसत ऊंचाई है राजमहल ट्रैप की।
और दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप की कैसी चट्टानों से निर्मित है, ठीक है, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर बताइए कि राजमहल ट्रैप कैसी चट्टानों से निर्मित है, और मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगा। दोस्तों इसका पीडीएफ भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी इस चैनल में नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।